Hello students, this is the second lecture of vectors and in this lecture we will see different types of vector. Okay, तो हमने already vectors complete कर लिया है. In this lecture we will see different types of vectors. Okay, तो vector क्या होता है, मैं एक बार आपको recap करा दूं. Vectors are that physical quantity which has magnitude as well as direction. Means एक ऐसा physical quantity जिसके पास direction और plus magnitude होता है, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, राइट. तो ये आज के लेक्चर में हम अलग अलग टाइप्स के वेक्टर देखने वाले हैं. थियोरेटिकल टॉपिक्स है, राइट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में. जो हमारा सबसे फर्स्ट वेक्टर है, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, राइट. जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर. ओके, तो क्या होता है जीरो वेक्टर? बहुत ईजी टॉपिक है. एक ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है बट विथ आर्बिटरी डायरेक्शन. क्लियर? जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट विथ आर्बिटरी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर. क्लियर, राइट. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन कुछ तो डायरेक्शन है, उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर, राइट. सो यू कैन सी जीरो वेक्टर का डिफाइन मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है. जीरो वेक्टर्स आर दैट वेक्टर्स व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड विथ आर्बिटरी डायरेक्शन. क्लियर? क्या होता है जीरो वेक्टर? एकदम इजी चीज है, राइट. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन कुछ तो डायरेक्शन पॉसिबल है, उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, डिनोट कैसे किया जाता है? हाउ टू डिनोट जीरो वेक्टर, राइट. जीरो वेक्टर को हम सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, लेट्स सी इन सेकंड पॉइंट, राइट. सिंबॉलिकली जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय ओ बार. ओ बार आप देख रहे हो वहां पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है. ओ बार मींस इट इज अ जीरो वेक्टर, राइट. सिंबॉलिकली जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय ओ बार, राइट. अब बार में देखो ऐसा लॉजिक है, ऐसा बार देखोगे तो भी चलेगा. कभी कभी क्या होता है, ऐसा बार होता है, राइट. एरो टाइप होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी एक ही बात हुई, राइट. कोई इशू नहीं है. ओके, सो इन सेकेंड पॉइंट वी हैव सीन हाउ अ सिंबॉलिकली जीरो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड. सिंबॉलिकली जीरो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ बार. क्लियर? इसको हम बोलते हैं बार. क्लियर? ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर्स. समझा के मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, एक समझा के बताओ. देखो, एज्यूम दैट दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज स्टेशनरी. अब समझो मार्कर को मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं. या फिर आप बोलो ये मार्कर, दिस मार्कर इज स्टेशनरी. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेक्टर, यू विल से डेफिनेटली सर इट हैज जीरो वेलोसिटी, राइट. वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई कैन से द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी मार्कर और पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर. क्लियर? कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, दैट वेलोसिटी वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर. यू कैन सी थर्ड पॉइंट, राइट. एकदम सेम मैंने बताया आपको, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर. क्लियर? एकदम सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं आप पॉइंट नंबर फोर में, एक्सेलरेशन, राइट. एक्सेलरेशन, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट, जब भी कोई पार्टिकल एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, इसका मतलब उसकी उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है. जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है. एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज ऑल्सो अ जीरो वेक्टर, राइट. फिर से रिकैप कराता हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल भी. एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं. व्हाट आर जीरो वेक्टर्स? अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड बट विद आर्बिटरी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर. इन सेकंड पॉइंट वी हैव सीन हाउ अ जीरो वेक्टर कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड. सिंबॉलिकली अ जीरो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ बार. क्लियर? इट इज नॉट जीरो, इट इज ओ बार. ओके, इन थर्ड पॉइंट वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर विच इज velocity of a stationary particle or you can say the velocity vector of a stationary particle is a zero vector. Clear? Hum fir next maine aapko fourth point bataya. If a particle is moving with a constant velocity or constant speed, means ek aisa particle jo constant velocity se move ho raha hai, that means uska jo acceleration hai wo zero hai. जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव है, एग्जांपल लेते हैं, समझो आप बाइक चला रहे हो, राइट. बाइक का स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करना है आपको, राइट. 40 मीटर पर सेकंड, राइट, मतलब एक सेकंड में 40 मीटर, बहुत ज्यादा स्पीड पे आओगे, राइट. अच्छा, 40 मीटर पर सेकेंड अगर आपका स्पीड है और वो स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस बाइक का एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है. क्लियर? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके,
तो कोई भी पार्टिकल अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। ओके, फोर्थ पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, वही जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ चीज है, राइट। तो आई होप दिस जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज क्लियर। जीरो वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर भी हम लिख सकते हैं जीरो वेक्टर को, क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं, राइट। अच्छा, सो वॉट एक्चुअली इज रिजल्टेंट वैक्टर, एक मैं डायग्राम से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन वन डायग्राम इन विच वी हैव कंसिडर्ड अ ब्लॉक, अ वुडन ब्लॉक दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर में बनाया है, लेट्स कंसिडर अ वुडन ब्लॉक। ओके, लेट्स कंसिडर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, दो फोर्स हम एज्यूम करते हैं जो इस ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है। पहला फोर्स आप देख सकते हो ऐसा ऊपर एक्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज्यूम करो सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ यही फोर्स एक्ट हो रहा है। इफ ओनली F1 बार क्यों लिखा है मैंने ऊपर, बार इसलिए लिखा है बिकॉज दिस F रिप्रेजेंट फोर्स, राइट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने लेक्चर 1 में आपको सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, इफ ओनली F1 बार इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक तो क्या होगा, बहुत ईजी सा सिंपल सा कंसेप्ट, ऑब्वियस सा आंसर है, हाँ सर कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर चला जाएगा। क्यों, रीजन बहुत सिंपल है, फोर्स नीचे से लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है उस डायरेक्शन में उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब F1 बार एक्ट नहीं हो रहा है, अब एक्ट हो रहा है F2 बार, लेट्स कंसीडर अ सेकंड फोर्स F2 बार विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन द गिवन डायरेक्शन, राइट। ये दिख रहा है आपको डायरेक्शन ऐसा, ओके। इफ अ फोर्स F2 बार इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स अब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर यहां से यहां पे आने का ट्राई करेगा, राइट। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। सो इफ द फोर्स F2 बार इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, दिस F2 बार विल डिस्प्लेस द ब्लॉक इन इट्स ओन डायरेक्शन, वो अपने खुद के डायरेक्शन में ही उसको डिस्प्लेस कराएगा, क्लियर चीज है। ओके, मैंने कुछ चीजें आपको बताई, व्हेन F1 बार फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक द ब्लॉक विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ ओनली F2 बार फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक देन द ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F2 बार। ये आपको क्लियर समझ में आता है, थोड़ा और एडवांस लेवल में जाता है क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, सिंपल चीजें हमको नहीं पढ़नी है, हम कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ते हैं। आगे बढ़ते, देखो, इफ कंसिडर this both force F1 bar and F2 bar are acting simultaneously on the block, अगर ये F1 bar और ये F2 bar दोनों एक ही साथ एक block पे act हो रहे तो क्या होगा, देखो इतना पहले clear था, अगर सिर्फ F1 bar force act होगा the block will move in upward direction, if सिर्फ F2 bar force act होगा the block will move in F2 bar direction, but if both the forces F1 bar and F2 bar will act in same will act simultaneously, अगर एक ही साथ ये दोनों force apply होंगे तो क्या होगा, तो ये F1 bar के direction में तो जाएगा नहीं, ये F2 bar के direction में तो जाएगा नहीं, ये F1 bar और F2 bar के resultant direction में जाएगा जो मैंने यहाँ R bar से represent किया है, so the block will move in the direction of R bar, this R bar is the resultant force of F1 bar and F2 bar, बात समझ में आई, F1 bar के direction में block जाएगा नहीं, F2 bar के direction में block जाएगा नहीं, जब ये दोनों force एक साथ लगेंगे, तो जाएगा कहां block, block will move along R bar, block R bar के direction में जाएगा, clear, तो ये R bar क्या हुआ, this R bar is the resultant vector of F1 bar and F2 bar, ओके, बात समझ में, एकदम सिंपल सिंपल चीज सिखा रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू, देखो दो वेक्टर का मैंने रिजल्टेंट निकाला ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वेक्टर एक्ट होंगे, तीन वेक्टर भी समझो F1 बार F2 बार F3 बार भी एक्ट हो रहा है, F1 बार F2 बार F3 बार F4 बार भी एक्ट हो रहा है, दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक कोई पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा फोर्स बोल सकते हो कोई एक बॉडी या फिर कोई एक ब्लॉक पे एक्ट हो रहे हैं, तो उनका भी रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, सिर्फ दो ही फोर्स का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है ऐसा नहीं है, दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, सो इफ F1 बार एंड F2 बार और F3 बार भी आप समझ लो, इफ मोर देन टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक डेफिनेटली वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्लियर। तो डिफाइन ऐसा है, रिजल्टेंट ऑफ टू, लेकिन सिर्फ टू नहीं, टू से ज्यादा भी हो सकता है, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ वेक्टर
राइट। देखो दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो वो भी तो वेक्टर ही आएगा। आप देख सकते हो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। सो द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द वेक्टर्स टुगेदर। मीन्स दोनों वेक्टर जो साथ में मिल करके काम करेंगे वही काम ये अकेला वेक्टर करेगा जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो F1 बार F2 बार अप्लाई करने की जगह पे आप डायरेक्ट R बार अप्लाई करो क्योंकि F1 बार F2 बार मिला के जो काम करेगा वही काम ये अकेला R बार कर देगा, इसलिए R बार को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। क्लियर? सो दिस इज द डिफाइन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका फॉर्मूला मैंने आर बार का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं समझेगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जस्ट फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप ये याद रख सकते हो। यहाँ पे जब मैं आगे के कुछ लेक्चर्स लूंगा वहां पे मैं ये फॉर्मूला आई विल प्रूव राइट, यहाँ वहां पे मैं ये फॉर्मूला को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1² + F2² राइट। ये आया आंसर कहाँ से वहां पे मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। ओके, सो आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। So we have seen what is zero vector or null vector, a vector with zero magnitude in arbitrary direction, a resultant vector, resultant of two or more vector is a vector which produces the same effect as produced by all the vectors together, right? This R bar is the resultant vector of F1 bar and F2 bar. I think ye part jo hai ye ekdam aapko ekdam clear hai. Okay, let's move on to third type of vector which is नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर राइट। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जो सिखा रहा हूं बहुत इजी चीज है, बहुत लो लेवल पे सिखा रहा हूं इस चीज को, आगे धीरे धीरे और लेवल बढ़ेंगे हमारे। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम में क्लियर मालूम पड़ रहा है नेगेटिव वेक्टर दैट मीन्स अपोजिट ऐसा कुछ होगा राइट। चलो मैं कुछ डायग्राम से सिखाने ट्राई करता हूं। कंसिडर अ वेक्टर ए बार इन द गिवन डायरेक्शन एज शोन इन द डायग्राम। दिख रहा है आप डायग्राम पे जो डायरेक्शन देख सकते हो ऐसा कुछ, ए बार का डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है राइट, बी बार का डायरेक्शन भी आपको क्लियर दिख रहा है। एक ही चीज इसमें आपको नोट करने लायक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आर सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट राइट। डायरेक्शन आप देख सकते हो, दिस ए बार इज एक्टिंग अलॉन्ग राइट हैंड साइड एंड दिस बी बार इज एक्टिंग अलॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड राइट। क्लियर? ओके, सो What is negative vector or opposite vector? बहुत simple है, a vector या फिर आप बोल सकते हो a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude, magnitude देख रहे हो, magnitude एकदम same है, of same magnitude but opposite direction, clear? एकदम simple, बहुत simple चीज बता रहा हूँ, define बना दिया, याद नहीं किया हमने define, okay? एक बार फिर से right? A negative vector of a, ये देखो ये b bar क्या है, b bar एक negative vector है, किसका negative vector है, a bar का negative vector right? A negative vector of a given vector is a vector, vector ही ना वो भी फिर भी, is a vector with same magnitude, देख रहे हैं, with same magnitude but opposite in direction is called as negative vector or opposite vector. तो simple है, b bar जो है ये b bar क्या है, this b bar is the negative vector of a bar. आप उल्टा भी बोल सकते हो, this a bar is a negative vector of b bar right? ये formula पे minus sign यहाँ भेज दो, that's it, simple. okay, so ये तो बहुत simple सा topic right, इतना कुछ difficult नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा अभी, what actually the negative vector or opposite vector is. so बहुत simple सा define है, negative vector जो होगा वो कोई given vector का ही negative vector होगा। so मैंने define बनाया a negative vector of a given vector, क्या actual में ये b bar भी तो एक vector ही है ना, so a negative vector of a given vector is a vector right with same magnitude, dekh raha hai, same magnitude with same magnitude but in opposite direction of a given vector, kiska opposite direction, us given vector ka opposite direction. I hope clear hai ekdam cheez right. so in second point we can write this as this b bar is the negative vector of a bar and we can write this mathematics in mathematical expression like b bar is equal to minus of a bar. क्लियर? तो हम b बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बार लिख सकते हैं, आप इसको a बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो आई थिंक क्लियर है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है राइट। सो वी हैव सीन जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एंड नेगेटिव
or opposite vector, right? Let's move on to next type of vector, which is equal vector. As the name suggests, naam mein hi likha hua, equal vector means इस केस में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, दैट्स इट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एकदम सिंपल चीज, सेम मैग्नीट्यूड, देखो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सिंपल, क्लियर। स्टार्ट करते हैं। ओके, इक्वल वेक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं यहां पर, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। इफ ए बार इज अ फोर्स वेक्टर, समझो मैं एज्यूम करते हैं ए बार जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, तो बी बार, जो बी बार है हमारा, ये बी बार भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ही जाके ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ए बार एंड बी बार, राइट, ए बार एंड बी बार मस्ट रिप्रेजेंट अ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, देन ओनली दिस टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल। क्लियर, दो वेक्टर इक्वल तब हो सकते हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, है ना। ओके, तो डिफाइन देखते हैं, अ वेक्टर, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैं जो बोल रहा हूं ना लिखा हुआ भी यहां पर, राइट, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सेट टू बी अ इक्वल वेक्टर, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर, ओके, तो आई थिंक पॉइंट एकदम क्लियर है, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड मतलब पता है सबको, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, राइट ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, राइट, ओके, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल सा डिफाइन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दो वेक्टर्स ए बार और बी बार जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी इक्वल, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी सेम, और उस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर, ओके, सो टिल नाउ वी हैव सीन फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, क्लियर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर, राइट, टोटल वी हैव टू सी सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो हमने फोर्थ तक कंप्लीट कर दिया। लेट्स सी व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही सब कुछ बताया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, दैट मींस दिस वेक्टर विल गिव द पोजीशन, ये वेक्टर आपको पोजीशन बताएगा, राइट, दैट्स व्हाई दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर, क्लियर, तो पोजीशन वेक्टर, अच्छा किस चीज का पोजीशन है, राइट, पार्टिकल का पोजीशन, राइट, हम पार्टिकल का पोजीशन करेंगे, देखेंगे, ओके, कंसिडर इफ दिस ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, देन दिस आर बार विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज द पोजीशन वेक्टर, ये आर बार ही आपका पोजीशन वेक्टर है। कैसे पता चला? बहुत ईजी है, पोजीशन वेक्टर करता क्या है, पोजीशन वेक्टर कोई भी पार्टिकल का पोजीशन बताता है, राइट, अच्छा कैसे बताएगा, कंडीशन है कुछ, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, राइट, ये वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट होना ही चाहिए, और पॉइंट कहां करना चाहिए, दिस वेक्टर मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन, और यू कैन से पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देखो ये देख सकते हैं, दिस R bar vector is starting from O, that means origin, and pointing towards the position of particle in a particular coordinate system. बहुत सारा coordinate system होता है, right? अभी तक जो आपने 10th में पढ़ा होगा, that was rectangular coordinate system, which is also called as a Cartesian coordinate system, right? Which consists of x-axis and y-axis. पढ़ा होगा ना, graph वगैरह बनाया होगा आपने linear equations में, तो वहां पे जो x एक्सिस और y एक्सिस ये जो आता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यू कैन से दैट दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर, तो जिसमें x और y आता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आप रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही देखो, आप पोलर सिस्टम भी यहां पे देख सकते हो, बट अभी के लिए फॉर अ टाइम बीइंग हम कार्टेशियन देखते हैं, डायरेक्ट हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, पहले बेसिक बेसिक लेवल देखते हैं, ओके, सो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, एकदम क्लियर हमने देख लिया, a vector which gives the position of a particle, right, a vector r bar which gives the position of a particle, kahan lekin kahan,
which give the position of a particle with respect to origin. Origin से आपका vector start होना ही चाहिए, with respect to origin of a chosen कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या फिर आप बोलो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी है, राइट, ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल. क्लियर, एकदम सिंपल है. फिर से एक बार रिकैप करते हैं, पोजीशन वेक्टर, राइट, पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट, ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम is called as a position vector of a particle. Particle का position vector, clear, right? हर अलग अलग बार हम position vector को अलग अलग letter से denote करेंगे, right है? तो ये case मैंने small r bar से represent किया है, right? So small r bar जो है, mostly आप याद रखो ये position vector हम small letter से ही denote करने वाले, जो position vector होता है इसको हम small letter से, small r bar, small a bar, small b bar ऐसा use कर सकते हो आप, right? Okay. So this small r bar for in this case is a position vector of a particle. ओके, सो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर भी क्लियर है. तो टिल नाउ वी हैव सीन जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, क्लियर, इक्वल वेक्टर, एंड नाउ वी हैव सीन पोजीशन वेक्टर, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे मैंने एंड में लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चीज के ऊपर ही मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड में, राइट, यहाँ पे. ओके, सो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है. देखो, बहुत सारी चीजों का जो मतलब है वो उसके नाम में ही छुपा होता है, राइट. यूनिट वेक्टर, एज द नेम सजेस्ट, यूनिट मीन्स वन. ओके, सो अ वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड, देखो मैंने बताया वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन, राइट. सो व्हाट एक्चुअली इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही है, राइट, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वन, राइट. अच्छा सर बोलेंगे, सर यस मैग्नीट्यूड हमको क्लियर है कि मैग्नीट्यूड वन है, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, यस इट हैज अ डायरेक्शन, राइट. यूनिट वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इन गिवन डायरेक्शन, देखो यहां पे लिखा है यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, राइट. तो पॉइंट ऐसा है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन, राइट, क्लियर. अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, राइट, इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, राइट. सबसे मेन चीज मैं आपको यहां बताऊं जो आंसर में नहीं लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. यूनिट वेक्टर करता क्या है, यूनिट वेक्टर हमेशा आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, क्लियर. यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, क्लियर हो गया. ओके, राइट, ओके. सो डिफाइन बोलते हैं फिर से एक बार, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई तो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड है, क्लियर है ना. A vector having a unit magnitude in a given direction is called as a unit vector in that direction. उस direction का unit vector बताया मैंने आपको. Clear? Okay? कुछ important चीजें बता दूँ आपको. Already आपने अभी तक 10th standard में you have seen two dimensional system which consists of x axis and y axis. इसको हम बोलते हैं 2D means two dimension, right? If we will move to three dimension, then you will have one extra axis which is z axis pointing towards yourself, right, jo aap dekh rahe ho screen pe. To ye x axis hai and this is y axis and the z axis will point towards yourself, right. Okay, so three dimensional system mein teen axis hota hai, x axis, y axis and z axis, clear. So the unit vector of x axis is I cap. Cap kya hota hai, zara yahan pe dhyan do, this is called as I कैप, राइट, ये जो ऊपर देख रहा है आपको ऐसा मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप, राइट. सो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप. यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, राइट. यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप. ओके, सो इन शॉर्ट I cap, J cap and K cap are the unit vector along X, Y and Z axis. Clear?
देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैं बता रहा हूँ ये जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, अलग अलग सिस्टम होता है राइट। तो अभी तो हम कार्टेशियन मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही देख रहे हैं। ओके सो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, आई थिंक अभी तक आपको क्लियर है। दिस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस राइट ओके। एक और डिफाइन है हमारे पास यूनिट वेक्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइन, मैथमेटिकल डिफाइन राइट। दिस थर्ड पॉइंट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके यूनिट वेक्टर, एक मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स करके दिखाता हूं। एज्यूम करो दैट दिस एम बार इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑलवेज। ये देख रहे हो ये कैप, दिस कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, ये जो कैप है दिस कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। ओके लेकिन मैंने यहां पे कैप तो नहीं बनाया, मैंने तो सिंपल वेक्टर बनाया है। ओके सो अ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड राइट, अ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ये जो मैंने बनाया है एम यू एम राइट। देखो मैं थोड़ा डिटेल में सिखाने का ट्राई करता हूं आपको, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ वेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, so this vector m bar can be represented as a magnitude of m bar, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा है, this is called as a magnitude of m bar right, so magnitude plus direction आएगा तो ही हम उसको vector quantity बोल सकते हैं। okay so the direction of m bar, मैंने अभी just आपको बताया कोई भी vector का direction हमको मिलेगा unit vectors right, so unit vector basically gives the direction of वेक्टर। सो एम बार का अगर मुझे डायरेक्शन चेक करना है सो वी हैव टू राइट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एम बार, यूनिट वेक्टर अलोंग एम बार, यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से रिप्रेजेंट होता है राइट। सो दिस यू एम कैप, दिस यू एम कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ एम बार एंड दिस मॉड ऑफ एम बार इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार वेक्टर क्लियर। तो अगर मुझे सिर्फ ये यूनिट वेक्टर निकालना है, ये जो दिख रहा है आपको यूनिट वेक्टर, तो ये कैसे निकालेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए राइट। दिस यूनिट वेक्टर अलोंग एम बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये पार्ट को आप नीचे भेज दो, यू विल गेट एम बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार राइट क्लियर राइट ना। यही तो ये मैथमेटिक्स है, ये बहुत इजीली बना सकते हैं, बेसिक मैथ्स आना चाहिए आपको राइट, क्योंकि साइंस में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ्स बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो ये तो बहुत इजीली चीज सिखा रहा हूं, धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा तो वहां पे आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए राइट। ओके this magnitude of m bar, this magnitude of m bar can also be written as, ye dekho maine numerator ko as it is likha hai, this denominator which consists of mod of m bar which is also called as magnitude of m bar can be written as capital M, this capital M also represents the magnitude, means agar aapko m bar ka magnitude likhna hai to do tarika hai right, you can write it as mod of m bar right, you can write it as mod of m bar and you can also write it as capital M which also represents the magnitude of m bar right, so I think aapko ye formula maine yahan pe kahin to likha hai, dekho last mein dikh raha hai, ye cheez maine aapko already samjha di hai okay, to yahan se mere bolne ka matlab kya hai wo main aapko batata hu okay, so basically the point is unit vector can also be defined as vector डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मीन्स कोई भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर क्लियर। तो पॉइंट ऐसा है कि हम यूनिट वेक्टर एक और तरीके से निकाल सकते हो जो बहुत बेस्ट तरीका है राइट, जो मोस्टली मैथमेटिक्स में हम सम करते हुए ये यूज करेंगे। अगर मुझे कोई भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, जस्ट फाइंड a vector and divide that vector by its own magnitude, कोई भी vector का अगर आप उसके magnitude से उसको divide कर देते हो, you will get a unit vector along that direction, right? कौन सा direction? M bar का direction आपको unit vector मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत important चीज सिखाई, कोई भी vector का unit vector कैसे निकाला जाता है, जो बहुत simple है, just divide that vector by its own magnitude, उस vector को खुद के magnitude से divide कर दो, you will get the unit vector along that direction, right? So a unit vector is a vector. Unit vector भी तो vector ही है. Unit vector is a vector divided by its own magnitude. जब उस vector को अपने खुद के magnitude से आप divide कर दो, you will get the unit vector, right? So I think these three points are clear to you, right? First point was a vector having a unit magnitude in a given direction is called as a unit vector in that direction. In second point, we have seen the unit vector of x, y and z axis, which is i cap, j cap and k cap. In third point, हमने यहाँ पे देखा
थर्ड पॉइंट जो था यहां पे हमने देखा कि यूनिट वेक्टर का एक और डेफिनेशन है जो ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, जो ज्यादा मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? तो मैं कुछ यहां पे मैंने बनाकर रखा है, कुछ मैथमेटिक्स लिखा है जो बहुत ईजी है, राइट? देखो फिजिक्स आप तब समझ सकते हो जब आपको मैथ्स आता है, राइट? राइट, मैथ्स एक की है, मैथ्स इज अ की टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। क्लियर? तो मैथ्स आना बहुत जरूरी है। ओके, नहीं भी आता है तो उसको वो चीज को स्ट्रॉन्ग करो, वो पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे आ जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव ऑलरेडी थॉट यू दैट आई कैप, राइट, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यू एक्स कैप का मतलब क्या होता है? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज रिटन एज आई कैप, राइट ना? सेम यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कैन बी रिटन एज जे कैप, जो मैंने ऑलरेडी पहले सिखा दिया है। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस वी कैन राइट इट एज अ के कैप, राइट? मैंने जो ऑलरेडी सिखा भी दिया, राइट, के कैप। ओके, अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, राइट? सो द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपको चाहिए, देन यू हैव टू डिवाइड एक्स एक्सिस वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर आप एक्स एक्सिस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? मैंने अभी तो सिखाया, वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो एक्स एक्सिस का वेक्टर को एक्स एक्सिस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज आई कैप। इफ यू विल डिवाइड वाई एक्सिस वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड यू विल गेट अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस व्हिच इज जे कैप। क्लियर ना? जब आप y एक्सिस वेक्टर को y एक्सिस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा y एक्सिस वाला वेक्टर जिसको हम j कैप बोलते हैं, राइट? ओके, व्हेन यू विल डिवाइड या इफ यू विल डिवाइड z एक्सिस वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ z बार, देन यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज k कैप, राइट? यहां पे आएगा k कैप। ओके, सो दिस की कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और देख रहे हो कैसा लिख रहा है, राइट? तो अगर आपको जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए देन बहुत इजी है, जेड एक्सिस का जो वेक्टर होता है उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं के कैप। कंफ्यूज नहीं होना है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जेड कैप नहीं लिखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है इसको एक्स कैप नहीं लिखना है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको वाई कैप नहीं लिखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज के कैप, राइट? तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे एम बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है यू एम कैप, राइट? यू एम कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एम बार विच डेफिनेटली गिव्स द डायरेक्शन अलोंग एम बार, राइट? तो वो आपको डायरेक्शन बताएगा एम बार का। तो आई थिंक क्लियर है, ये लास्ट वाली चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे सिखा दी, तो टिल नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या मैंने सिखाया आपको यहाँ पे, और क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है तो आना तो चाहिए, राइट? डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत इजी है। ओके, लेट्स रिकैप। सो इन फर्स्ट केस, फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, राइट, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिटरी डायरेक्शन। आर्बिटरी का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन, राइट? ओके, इन सेकेंड वी हैव सीन सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ टू और मोर वेक्टर, राइट, विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। ओके, दिस थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज अ अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, बहुत इजी, हमने देखा बी बार इज माइनस ऑफ ए बार, राइट? इक्वल वेक्टर भी देखा, इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने वहां पे नोट करके रखा है दैट टू वेक्टर कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, जब वो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे देन एंड ओनली देन दिस टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ इक्वल वेक्टर, राइट? ओके, सो वी हैव सीन पोजिशन वेक्टर, क्या होता है पोजिशन वेक्टर, द वेक्टर विच गिव्स द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ सेलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? यूनिट वेक्टर हमने देखा एक ऐसा वेक्टर अगर जिसको आप उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जाके आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव द डायरेक्शन। क्लियर? यूनिट वेक्टर का हमने एक और स्पेशलिटी देखा, इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड वन होता है और कोई भी आर्बिटरी डायरेक्शन आप ले सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक दिस होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।